मनमौजी टॉक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास और इस समय मौजूद हूं अंबेडकर नगर में। हमारे साथ एक दादा हैं, अभी हम चुनावी चर्चा के लिए निकले हैं। आइए दादा से बातचीत करते हैं। दादा, भाजपा के कार्यकाल से और उनके कारनामों से खुश हैं? जी, पाकिस्तान बॉर्डर से 24 किलोमीटर पहले इन्होंने वो बनाया है, हवाई पट्टी बनाई है। हाँ जी, हैं उस पर 2 जहाज लड़ाकू विमान भी इवेंट कराए जी। ये भारत की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मतलब सेना को आप मोदी सरकार से जोड़ के देखते हैं? सेना मोदी सरकार से है ही है, सरकार की ही सेना होती है। आपका क्या कहना है, भाजपा कैसी सरकार है? बहुत अच्छी सरकार है। हम तो चाहते हैं सरकार हटे ही ना, और जितने कार हो रहे हैं सब अच्छे हो रहे हैं। और जो लोग कहते हैं सरकार नहीं अच्छी है, उससे हमें क्या लेना देना, क्योंकि हम एक मजदूर आदमी भाई अपना कार्य कर रहे हैं। चाहे लोग नहीं मानते हैं तो चाहे भाजपा बने या समाजवादी बने, उससे हमें क्या लेना देना। इसलिए कि हम भैया जो कर रहे हैं वही करेंगे, चाहे राजा राम बने या भरत बने, दासी को दासी ही रहना है। दादा क्या कहेंगे भाजपा सरकार की? भाजपा सरकार अच्छी, हम लोग चाहे जहाँ वोट डाले नाम उसी में होगा, नाम उसी में होगा भाई। हम लोग गुप्ता आदमी जाएंगे कहाँ? अच्छा, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे गुप्ता हो, नाम उसी में होगा। चाहे भाजपा में डालो, चाहे कांग्रेस में डालो, चाहे मायावती में डालो, नाम होना नहीं कहीं। कम से कम सुविधा मिले, नल खराब पड़ा है। अच्छा, ये सरकार के कार्यकाल से खुश हैं आप? अब सरकार खुश कहा, ये सब काम हो तब खुश रहे हैं, जो अच्छा काम करे वही है। आपका पसंदीदा नेता कौन है? अरे सब तो मोदी मोदी चिल्लाते। समोसा खा रहे हैं भैया? हाँ भैया, समोसा खा रहे हैं। नाम क्या है? सर्वेश भैया। सर्वेश क्या करते हैं सर्वेश जी? यही लेबरी करते हैं भैया। अच्छा, सरकार के कार्यकाल से खुश हैं? वैसे तो खुश हैं, कर रही है, अच्छा ही कर रही है। मान लो शिकायत है। हाँ बताइए। जो हम लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था नहीं है कैदी की। कहाँ रहते हैं? कहिंदा गोपालपुर। कहिंदा गोपालपुर। आवास के लिए आवेदन किया था? हाँ किया तो बहुत बार है, लेकिन आया नहीं। आया नहीं, यहाँ के जो बनते हैं। हाँ। तो ऐसे बनते मान लो, कुछ किसी करते नहीं है मान लो। देखिए आपने अभी, हमने आपसे पूछा कि सरकार के कार्यकाल से खुश हैं, तो आपने बताया खुश हैं, और फिर आप बता रहे हैं कि हमारे लिए रहने के लिए आवास नहीं है। हाँ। और सरकार दे भी नहीं रही है, तो आप कैसे खुश हैं? दे नहीं रही मान लो, ऐसे नहीं दे रही कि प्रधान जी से कहते हैं तो प्रधान जी मान लो सुनते नहीं है। मान लो सरकार थोड़ी यहाँ चल के आएगी भाई, वो देखने घर में आएंगे नहीं भाई, देखेगा तो भाई गांव के प्रधान जो गरीब है मान लो, जो किसी के पास रहने की व्यवस्था नहीं ना, कोई दिक्कत है मान लो, तो वो देखेगा प्रधान। तो जब प्रधान नहीं सुनता है तो उसके ऊपर भी अधिकारी होते हैं, आप वहाँ जाके वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हम लोग गरीब आदमी कहाँ तक जाए भाई, कहाँ तक पहुँच हमारी है भैया? भैया सरकार से खुश हैं? नहीं भाई, हम तो नहीं खुशी नहीं खुश हैं। ना ना, अच्छा तो किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? अरे इस समय जो हमारी थी कहा ना, मैं वही जो चल रही थी अगले साल। क्या करते हैं आप? ड्यूटी करने जा रहे हैं भाई। ड्यूटी? हाँ। तो बताइए आप क्यों खुश नहीं? आप खुश कहा गए, जो फैक्ट्री में 2 साल होने जा रहे हैं, एक भी पेमेंट नहीं बढ़ी। जो हमारी सरकार बोल रही थी कि नहीं 15,000 बढ़ा देंगे, 20,000 कर देंगे, आज के हमारे लोगों को 7,000 उतने में हम लोग लगे पड़े हैं, तो कैसे कैसे? मतलब कहा गया था, सरकार जब आई थी मोदी सरकार, तब कहा गया था कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ेगी, लेकिन इनका कहना है कि कुछ अभी तक हुआ नहीं। अभी तक कुछ हुआ नहीं, घर भी नहीं है। कहा नाम, हम भी अभी कहा नाम, हम 2 बच्चे हैं, माता पिता के घर में रह रहे हैं, वो भी छोटा सा घर है, उसी में कहा नाम कुछ पचैया कर रहे हैं। अच्छा है, 200 रुपया किलो कड़ुआ तेल है, कैसे कैसे गुजारा होगा आज? कड़ुआ तेल 200 रुपये में पहुंच गया? 200 रुपये में पहुंच गया। भैया बताइए सरकार से खुश हैं? खुश भी हैं और ना खुश भी हैं। पहले खुशी बताइए। खुशी क्या, तेल इतना महंगा हो गया, लेकिन ये कह सकता हूँ कि कोई चीज में कमी नहीं है, सब रेट बढ़े हुए हैं, सब रेट बढ़े हुए हैं। फिर भी आप सरकार से खुश हैं? सरकार से कैसे खुश हैं, सरकार तो हम ये सोचते हैं कि सरकार हमारा कम से कम में काम चलाए, वही सरकार है। तो कौन सी सरकार चाहते हैं आप जो कम से कम में काम चलाए? जो सरकार हमारे लिए काम करे उसी सरकार को हम मान्यता प्राप्त करते हैं। भाजपा अब की इतना गिरा दिया कि सब हाथ से हाथ रो रहे हैं। अच्छा, हंस कोई भी नहीं रहा है, खाली महंगाई में। क्या आप सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? कहा बोले भैया, बताओ कहा रहेगी हम लोगों के पास? सब तो बेकार है, हुई रही। अच्छा, कहूँ बरसात है, कहूँ पानी भरो, कहूँ जाई छत नहीं है, तो कैसे? अब जो बढ़िया डाल के रह रहे भैया। अच्छा, झोपड़ी डाल के। आवेदन किया था आवास के लिए?
अरे हमको थे करण भैया ब्याज ही आज का पैसा मांगा तो सब दुनिया आदमी कैसे लेन बताओ। देखिए चाचा का कहना है कि ब्याज का पैसा मांगते जो लोग करवाते हैं, जो लोग आवेदन करवाते हैं या किसी भी कहीं भी जाते हैं तो वो पैसे पे काम होता है। तो चाचा अभी बात करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ना तो जगह है रहने के लिए और ना ही कोई देने के लिए तैयार है।